तरेत मठ नौबतपुर में तमाम सुरक्षा के बीच आप देखिए कि किस तरीके से नरेंद्र बाबा का प्रोग्राम चल रहा है, और ये पटना पुलिस तमाम जो है वो ट्रैफिक के जरिए ये बताने की कोशिश करी कि कृपया भीड़ न लगाएं, और जहां पे जो गाड़ी लगाने की जगह है वो वहीं पे लगाएं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतनी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हर वो व्यवस्था जो शायद पहले लग रही थी कि नहीं है, वो सुरक्षा को लेकर जो थ्री लेयर की सुरक्षा धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को दी गई है, इसके अलावा पटना से जब वो रोज़ यहाँ आएंगे उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। हर चौक चौराहे पर सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे इस वक्त राजधानी पटना ही नहीं बल्कि जो अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, सब दौबतपुर के इसी तरेत मठ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाबा है, और बाबा का क्रेज क्या है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता प्रशासन की थी वो ये थी कि आखिर इतनी लाखों लाख की तादाद में जो लोग आएंगे उनको कैसे सुरक्षा मुहैया कराएंगे। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग काफ़ी महफूज महसूस कर रहे हैं और बाबा को देखने और सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, आपको तमाम खबरों से अपडेट करते रहेंगे। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ बाइस्कोप, तरेत मठ, नौबतपुर, पटना।